और बड़ी खबर श्रावस्ती से है। वार्ड 17 से बीजेपी के दद्दन मिश्रा जीत गए हैं। श्रावस्ती से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री और सांसद दद्दन मिश्रा वार्ड 17 से जीते हैं। दद्दन मिश्रा ने बसपा के रमेश कुमार को हराया है। दद्दन मिश्रा ने अपना राजनीतिक जीवन जिला पंचायत से ही शुरू किया था और देखिए एक बार फिर से जिला पंचायत उन्हें लड़ना पड़ा और जीत भी गए। इसके बाद वो बसपा से विधायक थे, विधायक से मंत्री और फिर भाजपा में सांसद रहे। अम्मार रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अम्मार, जिस तरीके से ये पूरा परिणाम सामने आया है, क्या स्थिति है? दद्दन मिश्रा तो जीत गए लेकिन श्रावस्ती में बीजेपी का क्या हाल है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बीजेपी श्रावस्ती में अगर देखा जाए तो अब तक बीजेपी के दो सीटों के परिणाम आए हैं, जहां पर बीजेपी ने दो सीटें जीती हैं, बाकी समाजवादी पार्टी के हिस्से में 6 सीटें गई हैं और बसपा के हिस्से में 1 गई है। और बाकी सीटों पर यानी अगर बात की जाए तो करीबन 8 से 9 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा रहा है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दद्दन मिश्रा खास चेहरा थे, वार्ड नंबर 17 पे पूरे जनपद की निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि ये पूर्व राजमंत्री भी हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इस बार उनकी पूरी तरीके से साख लगी हुई थी कि जिला पंचायत भी अगर वो हार जाते हैं तो उनकी किरकिरी हो सकती थी, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद सांसद दद्दन मिश्रा आखिरकार 48 घंटे की जद्दोजहद के बाद जीत हासिल की है। बिल्कुल। और अमार, जिस तरीके से दद्दन मिश्रा लड़े थे, इतना बड़ा ओहदा पाने के बाद अगर कोई जिला पंचायत लड़ रहा है तो इनको उम्मीद रही होगी कि भाजपा अगर बहुमत पाएगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वो सपने टूट गए। ये तो कहा जा सकता है कि उनका पूरा एम इसी पे था कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष के उस पर जाएंगे और अभी भी उनकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किसी तरह हम लोगों को ओबलाइज करके या किसी तरीके से हम जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हथिया लें। तो उनका पूरा यही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। शुक्रिया अमार। तो मतलब श्रावस्ती में दिलचस्प मामला रहेगा कि दो बीजेपी के लोग जीते हैं और उसमें भी अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की जद्दोजहद है, मतलब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आने वाली।